हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल ओनली टीचिंग में। आज हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन के बारे में। क्या होती है सब्लिमेशन? वैसे ये साइंस का टॉपिक है सब्लिमेशन, और अक्सर हम सोचते हैं पता नहीं क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रहा सब्लिमेशन। इजी है, आज हम इसको समझ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्लिमेशन के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर्स, कौन कौन से स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज हो जाते हैं। ये सारी बातें अगर हमें पता होंगी तो हम इजीली सब्लिमेशन को भी समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तीन स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साइंटिस्ट ने दो और डिस्कवर कर लिए हैं, जैसे कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम ओनली तीन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें सॉलिड्स होती हैं, जैसे पेन, बुक्स, चेयर, ये सारी चीज़ें सॉलिड्स हैं। अभी सॉलिड्स क्यों हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज हैं। आपको पता होगा कोई भी मैटर है वो पार्टिकल्स से मिल के बने हैं, या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिल के बने हैं। तो कोई भी चीज़ सॉलिड इसलिए होती है क्योंकि उनके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी, अगर हम कंपेयर करें सॉलिड से, तो कम क्लोज होते हैं, इसलिए वो इजीली फ्लो भी कर लेते हैं, जैसे कि वाटर, ऑयल, ये इजीली फ्लो कर लेते हैं। क्यों फ्लो कर लेते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम क्लोज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस की। गैस के पार्टिकल्स क्लोज नहीं कह सकते, ये हमें कहना चाहिए कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड से तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि गैस काफ़ी फैल जाती है, काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती है। इसका यही रीज़न है कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब सॉलिड की हम बात करें तो इसमें हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब कोई भी मैटर है वो सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है या गैस क्यों है, ये डिपेंड करता है इस पर कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो सॉलिड होती है, जैसे कि सॉलिड में फोर्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। लिक्विड की बात करें तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो फ्लो भी कर लेते हैं ईजिली, जैसे वाटर फ्लो कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को फ्री कर देते हैं और ईजिली मूव करते हैं, इसलिए वो फ्लो करते हैं। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स तो में बहुत ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वो काफ़ी फास्ट मूव करते हैं। जैसे कि अगर रसोई में खाना बन रहा है तो उसकी खुशबू हमें दूर अपने कमरे तक आसानी से पता चल जाती है। इसका रीज़न ही यही है क्योंकि वो गैस है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी मूव करते हैं फास्टली, क्योंकि उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए हमें उसकी महक दूर तक पता चल जाती है। अगला है कि अगर बात करें सॉलिड, तो सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, हम उसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। और अगर हम बात करें गैस की, तो गैस को तो काफ़ी कंप्रेस कर सकते हैं, छोटे से वॉल्यूम में आप काफ़ी सारा गैस कंप्रेस कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये थे इनकी प्रॉपर्टीज़। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो मैटर्स हैं, बेसिकली इनके तीन स्टेट होते हैं, हमने अभी जाना सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी मैटर अगर सॉलिड स्टेट में है तो लिक्विड में भी इजीली चेंज हो जाता है, और अगर लिक्विड में है तो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, सेम इसका रिवर्स भी हो जाता है, अगर कोई गैस में है तो लिक्विड में भी चेंज हो जाती है इजीली, और लिक्विड है तो सॉलिड में भी इजीली चेंज हो जाती है। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आइस है, आइस एक सॉलिड है, इसको आप हीट करेंगे तो ये मेल्ट होगी, और मेल्ट होकर क्या बनेगी? वाटर। अब वाटर को और हीट करिए, वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो क्या बनेगी? वाटर वेपर। तो आपने देखा आइस वाटर में चेंज हुई, आइस पहले सॉलिड थी तो वाटर में चेंज हुई, क्या बनी? लिक्विड। फिर आपने उसको और गर्म किया, वाटर लिक्विड में थी, क्या में चेंज हो गई? गैस में। इसी तरीके से अगर आप वाटर वेपर को और ठंडा करेंगे तो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाएगी? अगेन वाटर में, यानी गैस थी किस में चेंज हो गई? लिक्विड में। आप इसको और ठंडा करेंगे वाटर को, तो अगेन ये क्या बन जाएगी? आइस, यानी कि लिक्विड थी क्या बन गई? सॉलिड।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या किसी भी मैटर को अगर चेंज होना है तो सॉलिड टू लिक्विड देन लिक्विड टू गैस ऐसे चेंज होगा, या गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड ऐसे चेंज होगा? क्या डायरेक्टली सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड चेंज नहीं हो सकता? फ्रेंड्स कुछ मैटर्स होते हैं जो डायरेक्टली गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है? उनको उनको जरूरत नहीं है कि पहले वो लिक्विड बने फिर गैस बने, ठीक है फ्रेंड्स? तो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन यही होता है कि अगर कोई मैटर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है? सब्लिमेशन यही होता है कि अगर कोई मैटर है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जा रही है बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल जैसे कि ड्राई आइस, ड्राई आइस आपने सुना होगा, ड्राई आइस कुछ नहीं होती, कार्बन जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को हम ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस को आप ओपन में रख दीजिए वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, तो एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड, इसको अगर आप गर्म करेंगे तो ये भी डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगी बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो ये था फ्रेंड्स सब्लिमेशन के बारे में। एक बार हम ओवरव्यू डाल लेते हैं कि जो मैटर्स होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या। जैसे कि अगर आप देखें सॉलिड से अगर कोई मैटर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग, अगर कोई मैटर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। सेम इसका रिवर्स भी होता है, अगर कोई गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन, और अगर कोई लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हम उसको कहते हैं फ्रीजिंग। अगर कोई मैटर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है विदाउट लिक्विड में चेंज हुए तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। और इसी प्रकार अगर कोई मैटर डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड तो इसको हम कहते हैं डीपोजिशन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सब्लिमेशन क्या होता है आप ये अच्छे समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।